पीएम मोदी शनिवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए डोडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशानों पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की, सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे। परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रहीं। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को कभी उभरने ही नहीं दिया, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव भाग्य तय करने वाला है। अब हम सब मिलकर बेहतर जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। साथियों, इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर नए नेतृत्व को कभी भी उभरने ही नहीं दिया। आप भी जानते हैं, यहां पंचायत के चुनाव 2000 के बाद नहीं हुए थे। बीडीसी के चुनाव कभी भी नहीं हुए थे। डीडीसी के चुनाव भी कभी नहीं हुए थे। दशकों तक यहां परिवारवाद ने यहां के बच्चों को, यहां के होनहार नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। और इसलिए ही 14 में सरकार में आने के बाद मैंने जम्मू कश्मीर में नौजवानों की नई लीडरशिप को आगे लाने का प्रयास किया है।